मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। आप देख सकते हो ये बॉक्स और ये है मोबाइल। ओके, तो इस मोबाइल जो है दो फ्लैश सेल फ्लिपकार्ट में आया। पहला फ्लैश सेल आया था 24 जून को 12 बजे और दूसरा फ्लैश सेल आया था 6 जुलाई को 12 बजे। ओके, दोनों ही फ्लैश सेल था, इसीलिए जो है कम से कम समय के अंदर अंदर, एक मिनट से भी कम समय के अंदर अंदर आपको ऑर्डर देना था। मगर उसके बाद जो 13 जुलाई को जो नेक्स्ट, इसका मतलब थर्ड जो फ्लैश सेल आने वाला है इस मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस का, ओके, तो इसके बारे में कुछ मसला हो चुका है कल। ओके, क्यों मसला? क्योंकि जो है इसका जो प्राइस है, जे इसका प्राइस क्या था, 16999, राइट? तो और जो है अभी इसका जो प्राइस है कल ही बढ़ के हो चुका है 17,499। ओके, तो इसका मतलब जो है 500 रुपये, ओके, दिनों दिन बढ़ गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, राइट? तो इसके पीछे जो रीज़न है, मुझे जो समझ में आ रहा है, ऑफिशियली तो कुछ क्लियरेंस नहीं दिया गया है, मगर इतना पता चल रहा है तो पहले नंबर वन में जो आ रहा है मोटोरोला के साथ कंपेयर करने वाला जो सारा स्मार्टफोन ब्रांड्स मार्केट में है, इंडियन मार्केट में, जैसे कि हो गया पोको, एमआई, रियलमी, ये सब जो ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड का जो इस वेरिएंट में 6GB 128GB विथ 730 का चिपसेट का जो सारा स्मार्टफोन्स मार्केट में है, उनके अगर प्राइस आकर आप कंपेयर करोगे पोको, तो एमआई, रियलमी, ये सब का, तो देखा जाए तो ये सब का प्राइस जो है बहुत ही हाई है मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के प्राइस से। ओके, तो 2000 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा रैम, इंटरनल स्टोरेज एंड प्रोसेसर का वेरिएंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो। और जो है नंबर वन, तो ए कंपेयर नंबर वन हो गया। नंबर टू में जो पॉइंट आता है, मोटोरोला ने लॉन्च होने के टाइम में एक आर्टिकल डाला था ट्विटर में, वहां पर उन लोगों ने बताया था कि इस फोन का प्राइस जो है वो रखेगा 16,999 से लेकर 17,499 के अंदर अंदर। इसका मतलब जो है वो एक जो है यहाँ पर लक्ष्य दे दिया था, इसके अंदर अंदर हम लोग जो है प्राइस रखेंगे। और जो है पहले तो इसका प्राइस जो है दिया गया था 16,999 से, ओके, मगर उसके बाद जो देखा गया कि इसका प्राइस रखने से दूसरे जो ब्रांड्स है उन लोगों का नुकसान हो रहा है, और उन लोगों का जो लो वेरिएंट का प्रोसेसर रैम का जो सारा स्मार्टफोन है, जैसे कि कल ही आया था पोको M2 ऐसा कुछ, तो ये सब कुछ में जो है 720 चिपसेट है एंड ऑल्सो 6GB 128GB जिसका प्राइस भी रखा गया है 16,999। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में अगर हाई प्रोसेसर अगर आपको मिलेगा तो आप लो प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन तो नहीं खरीदोगे, तो वो जो नया जो स्मार्टफोन आ रहा है वो नहीं बिकेगा। तो इसीलिए जो है अपार्ट फ्रॉम दैट सब कंपनी को मार्केट को पकड़ के रखना है, तो इसीलिए जो इसका प्राइस को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करके, ज़्यादा नहीं इंक्रीज किया गया है, मगर थोड़ा सा इंक्रीज करके जो है उन कंपनी की प्रोडक्ट से थोड़ा सा हाई किया गया है, तो कंपनी भी का भी कुछ भी नुकसान नहीं आएगा और आप लोगों का भी उतना जो है परेशानी नहीं आएगा। 500 रुपये का हेर फेर आप लोगों को दिखने को मिल रहा है, मगर अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है एक चाइनीज ब्रांड खरीद के जो है आपका पैसा को फुलफिल जो है चाइना में ट्रांसफ़र करना है, या नॉन चाइनीज ब्रांड खरीद के मैक्सिमम पैसा खुद का देश में रख के छोटा सा अमाउंट को आपको बाहर भेजना है। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मोटोरोला का जो मेन जो इसका जो कंपनी है वो है यूएस में, ओके, तो थोड़ा सा जो प्राइस है वो तो यूएस में जाएगा ही, मगर मैक्सिमम जो प्राइस है वो इंडिया में ही रहेगा। तो अभी जो है 500 रुपये ज़्यादा दे के आपको ए फोन खरीदना है, या 500 रुपये कम दे के आपको 720 चिपसेट वाला जो प्रोसेसर है उसका फ़ोन को खरीदना है, चाइनीज या नॉन चाइनीज, ये सब कुछ आपको डिसाइड करना है और आपको विचार करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। अगर आप देखोगे 720 एंड 730 इसमें ये दोनों प्रोसेसर में उतना फर्क आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा जो है हेर फेर आपको दिख जाएगा, एक का अगर देखोगे कि चार्जिंग स्पीड ज़्यादा है, एक का देखोगे तो गेमिंग स्पीड ज़्यादा है, एक का देखोगे परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, एक का देखोगे परफॉर्मेंस थोड़ा हाई है, तो ये सब कुछ आपको विचार करके एक सही फोन लेना है
और जो है थोड़ा सा 500 रुपये ज़्यादा दे के अगर आपको एक नॉन चाइनीज ब्रांड खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है एंड ऑल्सो एड फ्री एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात आपको 730G चिपसेट वाला एक अच्छा बैटरी बैकअप के साथ अगर आपको एक फ़ोन खरीदने को मिल रहा है तो आप क्यों नहीं खरीदोगे। आप 16,999 दोगे और जो है उसके साथ साथ 500 रुपये ज़्यादा दोगे तो आपको जो है एक अच्छा बढ़िया क्वालिटी का एक फ़ोन मिल जाएगा। ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हो। मेन जो क्लियरेंस है मैं आपको समझा दिया। ओके, उम्मीद करते हो आपको सारा पॉलिसी समझ में आ चुका होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये जो मोटोरोला फ्यूजन प्लस जो है मैं आपका ऑर्डर कर दूँ 13 जुलाई को, तो आप जल्दी से कुछ टर्म एंड पॉलिसीज है जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले को शो कर रहा है, ऊपर आई बटन में भी आपको शो कर जाएगा, वो वाला वीडियो देख लो और वो प्रोसेस को आप फॉलो करो और जल्दी से जल्दी 12 जुलाई तक जो सारा वीडियोस आएगा उसको आपके सोशल मीडिया में शेयर करते जाओ। उम्मीद करते हो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल में अगर नए हो और इसी टाइप का इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में अपडेट्स जानना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन में ऑल कर देना। इससे डेली का जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में पहुंच जाएगा। और मेरे साथ कुछ भी बात करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना है और कुछ भी बिजनेस रिगार्डिंग कुछ भी बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्प्ले के ऊपर एंड डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मेरे साथ फॉलो करके बात कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।